जिनको भी कीड़े हो गए हो ये ट्राई कर सकते हो। वाओ खट्टा है। ओ माय गॉड, फाइनली हमारा खाना लेके ट्रेन टेबल पे आ ही जाता है। जहाज के कप्तान साहिब खुद आके आपको अपने हाथों से खाना परोसते हैं इधर। दैट मीन्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान को यहाँ एंट्री नहीं मिलने वाली कभी। ले भाई आ, रोटी क्या का? सर हमको बेइज्जत होता देख मजा आ रहा होगा ना आपको। यस सर। दोस्तों आज हमारा आखिरी दिन था कोलकाता में और हम वहाँ पहुंचे हिंदुस्तान का एक लौता ऐसा बंदरगाह जहाँ पे आम लोग भी एंट्री कर सकते हैं और पेट भर के खाना भी खा सकते हैं। और ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जहाज के कप्तान साहिब खुद आके आपको अपने हाथों से खाना परोसते हैं इधर। यहाँ चारों तरफ रेलवे की पटरियां बिछी हुई थी एंड ये पटरियां भारत के सारे बड़े बंदरगाहों से कनेक्टेड हुए थे। और सबसे खास बात ये है कि हमारे टेबल पे जो खाना आएगा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ट्रेन लेके आएगी हमारे पास। थोड़ी देर में वो आप देखने ही वाले हो, पर उससे पहले खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। हमेशा की तरह आज भी अपनी बहन हमारे लिए खाना ऑर्डर कर रही है। लास्ट टाइम सूखी रोटी और चावल मंगाई थी हमारे लिए, आई होप इस बार वो हमारे लिए कुछ स्पेशल मंगाएगी। डू नॉट स्पिट, इसका मतलब विमल खाने वाले यहाँ नहीं आ सकते। दैट मीन्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान को यहाँ एंट्री नहीं मिलने वाली कभी। फिर हमारी नजर इस दीवार में लिखी हुई शब्दों में पड़ी जिसमें लिखा था, वी डू नॉट हैव वाईफाई, टॉक टू ईच अदर, प्रिटेंड इट्स लाइक 1995। ये पढ़ते ही मैंने तुरंत ही अपने बहन के हाथों से मोबाइल छीन लिया, क्योंकि यहाँ का कानून ऐसा है कि आपको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को टाइम देना है ना कि मोबाइल को। इधर हमारी नजर इन पटरियों पे लगी हुई थी कि कब ट्रेन हमारा खाना लेके आएगी। इस बीच स्टार्टर में अपनी बहन हमेशा की तरह सूप मंगाती है। दिक्कत तब होती है जब हमारी बहन को याद आती है कि मोबाइल तो निकाल नहीं सकते, अब सस्ती रील्स कैसे बनाए। दोस्तों जिंदगी में पहली बार हमारी बहन को बिना स्टेटस डाले खाना खाते देखा। अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। ओ माय गॉड, फाइनली हमारा खाना लेके ट्रेन टेबल पे आ ही जाता है। दोस्तों ऐसा एक्सपीरियंस हमारे जिंदगी में पहली बार हो रहा था। अरे दोस्त बाकी आइटम्स भी लेते आना, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, भाग। दोस्तों इस बक्से को देख मुझे पबजी के एयर ड्रॉप की याद आ गई, मुझे खाना चाहिए, खाना दो। इस बीच हमारी बहन भूख से तड़प रही थी और जब तक मेन कोर्स आता तब तक अपनी बहन टेबल में मौजूद चिली सॉस, टोमेटो सॉस, चटनी सब कुछ निकल जाती है। भैया ये क्या है, ये नूडल्स के साथ ब्रेड कौन देता है? ठीक है मैडम मत खाओ, ले जाता हूँ वापस। नहीं, नहीं भैया रखो यार, है मैं मजाक कर रही थी। भाई तुझे पता है ये ना इंडियन आइटम नहीं है, इसको विदेश से मंगाया गया वो है। वो तो ठीक है, पर हमारे लिए क्या मंगाई है ना, ये लो तुम दोनों के लिए। फिर से सूखी रोटी, हद हो गई यार। दोस्तों आजकल पानी के अंदर कुछ घास फूस डाल के स्ट्रो घुसेड़ के उसको मोजी तो नाम दे दिया गया है। हालांकि ये वही नींबू पानी है, बट अगर नींबू पानी बोल के बेचेंगे तो महंगा नहीं बिकेगा ना। भाई तूने बोला था ना कि मैंने लास्ट टाइम तेरे लिए सूखी रोटी और टिंडे की सब्जी मंगाई थी, ये ले आज मैं तुम्हारे लिए कद्दू की सब्जी मंगाई हूँ, खाओ और मुझे जिंदगी भर याद करते। याद नहीं, गालियाँ देंगे तेरे को हम। फिर अचानक कप्तान साहब खुद आ जाते हैं हमें खाना परोसने। सर आपको चाहिए? नहीं है, बहन का है, उसको पूछ के दीजिएगा सर। अरे ले ले भाई, तू भी क्या याद रखेगा। आपको ये देख के लग रहा होगा कि हमारी बहन बहुत दयालु है, अपनी रोटी हमारे साथ शेयर कर दी। जी नहीं, आप गलत हो, रोटी उसको पसंद नहीं थी इसीलिए हमारे साथ शेयर कर दी। पर अब देखिएगा, अगर इतनी ही दयालु है तो अपनी फेवरेट नूडल्स भी हमारे साथ शेयर करनी चाहिए ना। दोस्तों हम बस देखते रह गए और सारी नूडल्स उसी के प्लेट में जा रहे थे। मैडम ये भी आपको दूं क्या? हाँ हाँ सब मुझे ही दीजिए। देखा दोस्तों, देख लिया ना कितनी सेल्फी से ये लड़की। ये लीजिए सर आप कद्दू की सब्जी। सर आप यहाँ खाना परोस रहे हो, उधर जहाज कौन चला रहा होगा? मैडम जहाज चलाने के लिए हमने सलमान भाई का ड्राइवर को रखा हुआ। वाओ सो एक्साइटिंग। लो मैडम आप भी खाओ कद्दू की सब्जी, एक चम्मच और लीजिए, बहुत कमजोर लग रही है। मैडम आप कद्दू खाएंगे? नहीं नहीं, ये कद्दू सिर्फ उन दो गाय भैंस के लिए। मैडम ले भाई रोटी। क्या सर हमको बेइज्जत होता देख मजा आ रहा होगा ना आपको। यस सर। हमारी डायन को देखो किस तरह से नूडल्स खा रही थी और दूसरी तरफ हम सूखी रोटी के साथ फाइट कर रहे थे। क्या गाय भैंस वाली जिंदगी हो गई है यार। जब हमें पता चला कि कोलकाता के सारे हाई फाई लोग इधर खाने में हाथ ही नहीं लगाते, सब चम्मच से ही खाते हैं और पानी भी चम्मच से ही पीते हैं, तो हमारी बहन के अंदर का अंबानी जाग गया। मैं भी आज सब कुछ चम्मच से ही खाऊंगी। हम बाढ़ में जाओ सारे अमीरों, हम तो हाथ से ही खाएंगे। गाइस पता है हमारी मम्मी हम पे बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ से ये सारे मसालों के पैकेट उठाने वाले हैं। मम्मी ये देखो तुम्हारे लिए। मैं भी अपनी सासू माँ को खुश करूंगी ये सारे टिश्यू पेपर चुरा के। सबसे ज्यादा खुश मम्मी मुझ पे होने वाली है, ये देख रहे हो ना दोस्तों, नींबू आजकल सोने के भाव में बिक रहे हैं, चलो जेब में डाल देते हैं। तभी अचानक कप्तान साहब हमें एक रहस्यमय डिब्बा लाके देते हैं जिसे खोलते वक्त हम बहुत डर गए थे। डिब्बा खोलते ही अंदर हमें चार बोतल नजर आए। जब हमने कप्तान साहब से पूछा कि ये क्या है,
तो उन्होंने बताया, मैडम इसको पीने से आपके वहाँ के कीड़े मर जाएंगे। वाओ गाइस, इसको पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे, है ना सर? पेट नहीं मैडम, दूसरी जगह के कीड़े। जिनको भी कीड़े हो गए हो ये ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सर। खट्टा है। जब सबने अपने कीड़े मार दिए थे तो हम क्यों पीछे हटते? हमने भी पी लिया। सारे कीड़े मर गए होंगे। सर मैं ये एक मेरी दोस्त के लिए लेती हूँ, उसके भी कीड़े मारने हैं। मैडम इसको पीने से आपके वहाँ के कीड़े मर जाएंगे। वाओ गाइस, इसको पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे, है ना सर? पेट नहीं मैडम, दूसरी जगह के कीड़े। दोस्तों आज का सवाल आपसे ये है कि अगर पेट वाला कीड़ा नहीं तो फिर कहाँ के कीड़े मारने की बात कही थी कप्तान साहिब ने? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना और अपने दोस्तों को भी मेंशन करके उनसे भी ये जवाब पूछना। वाओ खट्टा है।